28 अगस्त 2009 को मार्क सेलर 190 की स्पीड से जा रहा था टोयोटा डीलरशिप की एक लोन वाली गाड़ी में। गाड़ी में इनके साथ इनकी बीवी, इनकी बेटी और इनका बहनोई था। इनका ये बहनोई गाड़ी में इमरजेंसी नंबर 911 पर कॉल कर देता है और जो अभी आप सुनने वाले हो शायद आपके लिए थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो। 911 emergency, what are you reporting? I'm sorry? मार्क ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा था लेकिन गाड़ी रुक नहीं रही थी और इनका रेस का पैडल फंस गया था। आगे हाईवे खत्म होने वाला था और ये लोग चौक में पहुंचने वाले थे जिधर गाड़ियां रुकी हुई थी। दूसरी गाड़ियों से टकराने से बचाने के लिए मार्क गाड़ी को सड़क से उतार देता है। गाड़ी में मौजूद तमाम चार लोग मौके पर मर जाते हैं। इस 911 वाले क्लिप की रिकॉर्डिंग वायरल हो जाती है और सभी लोग खास तौर पर मार्क के रिलेटिव्स टोयोटा को इसका कसूरवार ठहराते हैं। The 911 call lasted just 17 seconds. And new trouble for Toyota. Toyota. Toyota has a problem. और फिर मजीद रिपोर्ट्स आना शुरू हो जाती हैं। The car just lurched forward and hit the cement wall in front of us. अगले 5 सालों तक टोटल में 90 लोग टोयोटा की गाड़ियों में अपनी जान गंवाते हैं। Toyota's conduct was shameful. It showed a blatant disregard for systems and laws designed to look after the safety of consumers. अब क्योंकि हर किसी ने टोयोटा को ब्लेम किया था तो कंपनी ने 2 साल के अरसे में अपने कस्टमर्स की 10 मिलियन गाड़ियों को वापस बुला लिया था इंस्पेक्शन के लिए। इन्होंने $1.2 बिलियन का फाइन दिया था US गवर्नमेंट को। It will pay a financial penalty of $1.2 बिलियन और मजीद $1.1 बिलियन क्लास एक्शन लॉ सूट पर खर्च किए थे। लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ था मार्क सेलर के हादसे में और क्या वाकई इसमें टोयोटा की गलती भी थी? शुरू में तो ब्लेम दिया गया था फ्लोर मैट्स को और इसकी बड़ी वजह भी थी। ये जो टोयोटा लेक्सस थी जो मार्क चला रहा था और इसका एक्सीडेंट हो गया था, ये एक लोनर गाड़ी थी। मतलब मार्क ने अपनी गाड़ी रिपेयर के लिए दी थी तो कंपनी ने उसको ये गाड़ी दे दी थी यूज करने के लिए। जब तक इसकी गाड़ी ठीक नहीं हो जाती तो ये इस टोयोटा लेक्सस को यूज कर सकता है। इस इंसिडेंट से सिर्फ 3 दिन पहले यही टोयोटा लेक्सस गाड़ी किसी और बंदे को भी दी थी कंपनी ने यूज करने के लिए और उस बंदे ने भी यही सेम इशू बताया था कि रेस का पैडल फंस गया था। लेकिन साथ उसने वजह भी बताई थी कि लूज फ्लोर मैट्स की वजह से यह स्टक हुआ था। तो टोयोटा ने बहुत ही मैसिव क्वांटिटी में अपने कस्टमर्स की गाड़ियां वापस बुलाई इंस्पेक्शन के लिए। इन्होंने अपने कस्टमर्स को बोला था कि फ्लोर मैट्स का इस्तेमाल बंद कर दो। इससे इन्होंने सोचा कि मसला हल हो जाएगा लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके बाद भी और केसेस सामने आते रहते हैं एक्सेलरेशन पैडल स्टक होने के। फिर इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये मसला फ्लोर मैट से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मेलकम ग्लैडवेल जो एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मार्क इंसिडेंट के केस पर पूरा एपिसोड रिकॉर्ड करवाया यूट्यूब पे। उन्होंने बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सा जवाब दिया था। उन्होंने ये कहा था, बट इफ योर कार इज सडनली एंड मिस्टीरियसली एक्सेलरेटिंग, ऑल यू हैव टू डू इज स्टेप ऑन द ब्रेक्स बिकॉज़ ब्रेक्स बीट इंजंस। उन्होंने इसका टेस्ट भी किया था कि गाड़ी की रेस भी दबाएं और साथ ही ब्रेक भी दबाएं तो थोड़े से फासले के बाद ब्रेक्स इंजन को ओवरपावर कर लेती हैं और गाड़ी रुक जाती है। ये चीज आप बाइक पर भी नोट करोगे कि अगर रेस का हैंडल आपने नहीं छोड़ा और साथ ही ब्रेक लगाओ तो थोड़ी सी आगे जाकर बाइक रुक जाएगी। कार एंड ड्राइवर ने यही सेम एक्सपेरिमेंट किया था लेकिन बड़े और पावरफुल इंजन वाले स्पोर्ट्स कार के साथ और इसका रिजल्ट भी यही निकला था। ब्रेक्स ने इंजन को ओवरपावर कर लिया था और गाड़ी रुक गई थी। तो अगर ब्रेक्स इंजन को ओवरपावर कर लेती हैं, तो मार्क की गाड़ी क्यों नहीं रुकी? सुनने में ये थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन मार्क सेलर ने ब्रेक दबाई ही नहीं थी। So why couldn't Mark Saylor stop his Lexus that day? I know it sounds ridiculous, but it's the only logical explanation. Because he never put his foot on the brake. इसको ऐसे सोचो, जब आप अपनी गाड़ी में बैठते हो तो आपको आदत हो जाती है अपनी गाड़ी के पेडल्स की, जिसको बोला जाता है मसल मेमोरी। मतलब आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता कि ब्रेक किधर है, रेस किधर है, कितनी दबानी है। आपका दिमाग खुद ब खुद चल रहा होता है। ज्यादातर इस तरह के मिस्टीरियस एक्सेलरेशन के केसेस तभी देखने को मिले हैं जब ड्राइवर किसी अनजान गाड़ी में थे, जैसे कि मार्क सेलर ये लोन वाली गाड़ी चला रहा था। लोग अनजान गाड़ी में बैठ जाते हैं बगैर इसको ऑब्जर्व किए और गलती से ब्रेक दबाने के बजाय
रेस ही दबा देते हैं। और इस चीज को रिसर्च ने भी प्रूव किया है। नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन और नासा एक रिपोर्ट निकालते हैं इन्हीं सब मिस्टीरियस एक्सेलरेशन केसेस पे। वो लोग गाड़ी के ब्लैक बॉक्स को ऑब्जर्व करते हैं। ये ब्लैक बॉक्स सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, एक्सीडेंट होने से पहले की, एक्सीडेंट के दौरान और एक्सीडेंट के बाद सबकी। इससे इनको ये बात पता चलती है कि ज्यादातर केसेस में लोगों ने ब्रेक के पैडल को दबाया ही नहीं था, इन लोगों ने गलती से रेस के पैडल को ही दबा रखा था। ये पैडल एरर है और ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। तो अब हमें पता चल गया कि मार्क सेलर के साथ क्या हुआ था और केस सॉल्व है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मार्क सेलर के इंसिडेंट के 2 महीने बाद ये बात पता चलती है कि मार्क ब्रेक दबा रहा था और उसके केस में मसला कुछ और ही था। मैल्कम ग्लैडवेल ने बोला था कि ब्रेक और रेस दोनों एक साथ दबाएंगे तो ब्रेक्स इंजन को ओवरपावर कर लेंगी। लेकिन ग्लैडवेल सबसे इम्पोर्टेंट चीज को नोट करना ही भूल गए थे, वो थी पावर असिस्टेड ब्रेक्स। इन ब्रेक्स को डिजाइन किया गया था इंजन से पावर लेने के लिए, लेकिन इनके अंदर एक सबसे बड़ी जानलेवा गलती थी। कंज्यूमर रिपोर्ट ने एक टोयोटा की गाड़ी ली जिसके अंदर पावर असिस्टेड ब्रेक्स लगी हुई थी। इन्होंने भी वही सेम टेस्ट किया जो मैल्कम ग्लैडवेल ने किया था, रेस दबाई रखी और ब्रेक दबाई, ब्रेक्स इंजन को ओवरपावर कर लेती हैं और गाड़ी रुक जाती है। फिर ये लोग एक और टेस्ट करते हैं और इसमें सिर्फ एक चीज को चेंज कर देते हैं। Let's see what happens if you lift your foot off the brake in this situation. Again, wide open throttle, 60 miles per hour, hitting the brakes, car slowing down. I'm going to lift off my brakes just once and then back down. I've lost power assist. I cannot slow this vehicle down. I'm pushing all my might. I'm going 40. Say I lift off my brake again and pump them. Now I'm going 60. Cannot slow down the vehicle. सिर्फ एक बार ब्रेक से पांव हटा दिया तो फिर ब्रेक काम नहीं कर रही थी फंसे हुए रेस पैडल के साथ। मार्क सेलर पैडल एरर का शिकार नहीं हुआ था बल्कि लूज फ्लोर मैट्स और पावर असिस्टेड ब्रेक्स का शिकार हुआ था। एक और वीडियो रिकमेंड करूंगा जिसमें एक बंदा शिप में फंस जाता है और वो शिप डूब जाती है और ये बंदा समंदर की गहराइयों में 3 दिन तक सर्वाइव करता है शिप के अंदर। वो बगैर ऑक्सीजन के समंदर की गहराइयों में कैसे रहा, यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं फिर समंदर की गहराइयों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।